और खबर है कानपुर से। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर लोगों में उत्साह भर दिया गया है। उन्होंने फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है। कार्य समिति का पहला सत्र समाप्त होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह का माहौल है उसको देखकर लगता है कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ हो गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, उत्तर प्रदेश तक, गोवा, भारतीय जनता मल खिल चुका है। उन्होंने कहा है कि नगर निकाय का चुनाव होगा तब भी कमल खिलेगा। देश में 400 से ज्यादा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, जो कि एक इतिहास बन जाएगा। मंत्री श्री बीएल वर्मा जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चे के पदाधिकारी, आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश के हैं ही, लेकिन आज जैसा माहौल देश का है उससे यह पता चलता है कि पूरा देश भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। और लोकतंत्र में उसका प्रमाण होता है कि जब कहीं चुनाव हो और चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है, तो हम गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के गोवा तक भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव विधानसभा के चुनाव में खिला चुके हैं, और जब भी नगर निकाय का चुनाव होगा तब भी कमल खिलेगा। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा और देश में 400 से अधिक सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में देश के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार बनाने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं।